तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रक्षाबंधन अभी नज़दीक है, मतलब कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है। जितने भी सिंगल लौंडे हैं उनके बीच में डर का माहौल है। उनको यह डर है कि कहीं रक्षाबंधन के दिन उनकी क्रश उनको राखी बांध के अपना भाई न बना दे। तो अगर आप इस रक्षाबंधन अपनी क्रश से राखी बंधवाने से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना। अगर आपने एक पॉइंट भी स्किप कर दिया तो यार रक्षाबंधन वाले दिन आपकी क्रश जो है आपको भाई बना देगी, आपको राखी बांध देगी। तो मेरे भाई, जब रक्षाबंधन वाले दिन आपकी क्रश आपको राखी बांधने आती है तब आपको उसको ये कहना है, थैंक्स बट मैं राखी अपनी बहन से बांधवाता हूँ, अपनी फ्रेंड से नहीं। तो ये डायलॉग सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी क्रश को एक एहसास हो कि आप उसको एक अपनी दोस्त मानते हो, ना कि एक बहन मानते हो, तो वो भी आपको एक अपने दोस्त की तरह मानने लगेगी। तो मेरे भाई, अगर आपको ये वाला डायलॉग पसंद नहीं आया तो आप अगला वाला डायलॉग यूज़ कर सकते हैं, मैं तुम्हारा हीरो बनना चाहता हूँ, भाई नहीं। तो मेरे भाई, अगर आप रक्षाबंधन वाले दिन अपनी क्रश को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप ये डायलॉग यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है इससे आपकी क्रश आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपको भैया से सैया बना दे। तो मेरे भाई, अगर आपको ये वाला डायलॉग भी अच्छा नहीं लगा और आप मेरी तरह गरीब हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ये वाला डायलॉग यूज़ कर सकते हैं, तुम्हारा भाई बनने के बाद मुझे प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिलेगा। तो ये डायलॉग सुनने के बाद भी अगर आपकी क्रश आपको राखी बांधती है तो यार आप उसे घर पे चल जाना और यार जायदाद प्रॉपर्टी ले लेना यार उससे, मतलब थोड़े बहुत पैसे तो आ जाएंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी यार। अगर आपको ये सब डायलॉग पसंद नहीं आए तो आप मेरा वाला फेवरेट डायलॉग यूज़ कर सकते हैं, अगर कल मैं सिंदूर लेके आऊँ तो क्या वो तुम अपने मांग में भरोगी? तो अगर इस बात पे लड़की हाँ कहती है तो यार मुझे पार्टी देनी पड़ेगी यार आपको, आपसे लड़की पट गई, मतलब आपकी क्रश जो है आपसे पट गई, बस तो फिर और क्या बाकी रह जाता है, घर वालों को ही तो बताना है कि यार आपकी बहू मिल गई, जल्दी से शादी करा दो। तो यार बस, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके दोस्त के साथ या फिर आपके साथ कभी उसकी क्रश ने उसको राखी बांध दी है तो प्लीज़ उसे कमेंट ज़रूर कर देना यार, हमें भी बताना यार, मुझे भी सुनना है ऐसा किसी के साथ हुआ है कि नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने सारे निकम्मे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, जिससे कि यार वो भी इस रक्षाबंधन अपनी क्रश से राखी बांधवाने से बच जाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टाइलिश, स्टे कूल, हैस्ता ला वीस्ता।